नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है, जो भी कैंडिडेट डीएलएड कर चुके हैं या फिर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं, उन सबों के लिए एक बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आई हुई है कि अब वो 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये चीज़ जो हर एक जगह अभी यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पे ये लागू हुआ है और किस तरह से इसे लागू किया गया है। दोस्तों, इसके हम जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट निकल आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये jagran.com का जो रिपोर्ट है, इसमें अगर यहाँ पे देखें नीचे, तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन दिया गया है, डीएलएड डिप्लोमा धारक अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डीएलएड के हुए कैंडिडेट हैं तो वो अब 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा सकेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे देखिए पूरा डिटेल में लिखा गया है, यहाँ पे नीचे देखें तो लिखा गया है डीएलएड डिप्लोमा धारक अब 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने डीएलएड कोर्स को 8वीं कक्षा तक के लिए अपग्रेड करते हुए 4 भाषाई विकल्प बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये चीज़ जो अभी सिर्फ हरियाणा में लागू किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये चीज़ यहाँ पे लागू किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसे अपग्रेड करते हुए जो है 4 भाषाई विकल्प यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। और फिर आगे लिखा है बोर्ड प्रशासन ने अब हिंदी व अंग्रेजी को अनिवार्य विषय कर दिया है, वहीं संस्कृत उर्दू व पंजाबी को वैकल्पिक विषयों के तौर पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखें तो हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसको जो यहाँ पे अनिवार्य विषय और जो भी हिंदी संस्कृत और पंजाबी जो था उसे यहाँ पे वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। और फिर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड कोर्स को अपग्रेड करते हुए 4 भाषाई विकल्प बढ़ाए। और फिर नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है इसमें से एक विषय लेने पर उम्मीदवार को भाषा विषय को भी पास करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बता दें कि जो भी कैंडिडेट यानी कि जो भी शिक्षक पहले बीएड किए हुए थे वही शिक्षक 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट या फिर जो भी शिक्षक डीएलएड किए हुए हैं वो भी अब 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो अभी सिर्फ हरियाणा में लागू किया गया है, आगे अगर किसी और स्टेट में यहाँ पे लागू होता है तो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो आगे जो लिखा गया है ताकि वे 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकें, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने इस बदलाव की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चालू सत्र से ही नया बदलाव लागू किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में डीएलएड डिप्लोमा धारक भी 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के योग्य बन सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी चालू सत्र है डीएलएड का वहाँ पे इसे लागू कर दिया गया है। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है बता दें कि प्रदेश में अभी तक डीएड वो डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी जगह जो है जो भी डीएड के या फिर जो भी डीएलएड के हुए कैंडिडेट हैं उसको जो है प्राइमरी टीचर के रूप में ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब जो है 8वीं क्लास तक के शिक्षक के रूप में उसे नियुक्त किया जाएगा। और फिर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए एक और अपडेट है जिसमें कि ऊपर देखें तो लिखा गया है डिजिटल लॉकर से सुरक्षित रखेंगे अपने प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे अब आप जो है डिजिटल लॉकर के जरिए जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। नीचे लिखा है आने वाले समय में यदि आपकी मार्कशीट गुम हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल डिजिटल कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है और नेशनल डिजिटल लॉकर की सुविधा परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे डिजिटल लॉकर है वो सभी परीक्षार्थी को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा कि आप अपने सर्टिफिकेट को जो वहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर आगे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है इस सुविधा के शुरू होने से बोर्ड प्रशासन 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सभी प्रमाण पत्र इस लॉकर में अपडेट कर देगा, ऐसे में कोई भी छात्र इस लॉकर की मदद से अपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आप उस डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं और जो भी आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है आप उससे निकलवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखें तो बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा था कि जो भी डीएलएड के हुए कैंडिडेट हैं या फिर जो भी डीएलएड कर रहे हैं वो अब 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, यानी कि जो भी अब यहाँ पे बहाली होगा तो वो 8वीं क्लास के शिक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट है ये सिर्फ हरियाणा से है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ऐसा यहाँ पे लागू किया गया है, लेकिन आगे अगर किसी और स्टेट के द्वारा इस तरह का कुछ लागू किया जाता है तो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी डीएलएड के कैंडिडेट हैं सभी तक जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।